बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोबाइल पर और आप लोगों को मोबाइल पर खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हुए खुफिया कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपने प्ले स्टोर ऑन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड कैमरा, बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर, ये ऊपर ही आ गई फ्रंट पे एप्लीकेशन। तो बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो ये आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पे आप ओपन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ओपन का ऑप्शन, आप इस ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मैंने क्योंकि इंस्टॉल है मेरे, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बेसिक सेटिंग है जो हम देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे जो अलार्म का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है राइट कॉर्नर पे, उसको आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डे टाइम ड्यूरेशन कैमरा रिपीट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप डेट को सेट करना चाहते हैं, डेट सेट कर लेंगे। ये आज की डेट टूडे आपको दिखाएगा, जो भी हो तो करंट डेट आपको दिखाएगा। यहाँ पे वो करंट डेट दिखा रहा है, नीचे यहाँ पे टाइम आपको दिखाएगा किस टाइम जो आपने स्टार्ट करनी है, तो वो टाइम आपका यहाँ पे सेट कर लें आप। तो यहाँ पे आप वो टाइम सेट कर लीजिएगा, तो उसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन में आपको मिनट इंटर करने हैं। यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आई थिंक 5 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आप यहाँ पे मिनट इंटर कर सकते हैं। कोई भी कर ले, मैंने 120 मिनट कर लिए हैं, जो 2 घंटे बनते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है कैमरा बैक एंड फ्रंट। तो व्यूअर्स, ये वो बात है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था। ये मैं आपको बता दूँ, ये कैमरा यहाँ से चेंज नहीं होगा। यहाँ बेशक आप फ्रंट कर लें तो ये आपका बैक ही रहेगा, यहाँ से चेंज कैमरा नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे जाना है। तो आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, उसको आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग्स में आप चले जाएंगे। तो जैसे ही सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सी सेटिंग नज़र आएंगी। यहाँ पे वाइब्रेशन, जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे वाइब्रेट करें या ना करें, जब स्टॉप करें वाइब्रेशन करें या ना करें, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो ये आपको कोई ट्यून सुनाई दे, तो यहाँ से आप वो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टोरेज भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कौन सी लोकेशन में, एसडी कार्ड में करना चाहते हैं या इंटरनल स्टोरेज में करना चाहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो फ्रंट या बैक सेलेक्ट करेंगे वो वाला अप्लाई होगा, वहाँ पे करेंगे वो वाला अप्लाई कभी नहीं होगा। तो करके देख लीजिएगा, मेरे तो यही मसला आ रहा था, लेकिन वहाँ से करके देख लीजिएगा, ना हो तो यहाँ से करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो नीचे आपको फ्लैश लाइट नज़र आ रहा है, फ्लैश लाइट ऑन हो या ना हो, ऑटो फोकस ये वाला आप सब देख लीजिएगा। तो यहाँ से इसमें व्यूज आप इसका आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लोकेशन वाला साइन नज़र आ रहा है, सीपीयू मॉनिटर और 2-3 साइन नज़र आ रहा है, ये आप कोई सा भी साइन कर सकते हैं ताकि देखने वाले को पता ना चले कि ये कैमरा है या नहीं। और व्यूज़, इसकी सबसे बड़ी बात, आप जब स्टार्ट कर देंगे वीडियो बनना तो इसकी स्क्रीन भी ऐसे आप ऑफ कर देना, तो भी जो कैमरा आपने सेलेक्ट किया होगा उस कैमरे से वीडियो बनती रहेगी। एक मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे नेगेटिव काम के लिए यूज़ नहीं करना, किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे करप्शन कहीं पे होती है तो आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं, वहाँ पे आप ऐसे इजीली वीडियो बना सकते हैं, तो इसकी स्क्रीन ऑफ भी होगी तो भी ये वीडियो बनाता रहेगा। आप जैसा वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे बना सकते हैं, तो जिससे सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आप पासवर्ड भी इसका इंटर कर सकते हैं, आप ये पासवर्ड दे के वीडियो चला सकेंगे कैमरा और बंद कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी ये बेसिक सेटिंग, और मेन जो वो कैमरा फ्रंट वाला और बैक वाला हो, वो वाला जो मैंने बता दी वो यहाँ से होगी। इसकी जो मेन बात थी, तो दरमियान में आपको वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्टार्ट वीडियो
का ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे रेड सा, तो उसको आप दरमियान में उसको आपने क्लिक किया तो ये वीडियो बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये मसला कर रही है, मैंने अभी भी इंस्टॉल किया तो कुछ सेटिंग रहती है बेसिक इसकी, सॉरी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इस वजह से ये वीडियो नहीं बनाएगा। ये दिन को भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ वीडियो बनाने की कोशिश की थी तो ये नहीं बनी थी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वीडियो का ऑप्शन रेड कलर में, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। व्यूज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और प्लीज़ मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट है कि इसको गलत मकसद के लिए यूज़ नहीं कीजिएगा, अच्छे मकसद के लिए यूज़ कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, किसी की भी आप तजलील का बाइस ना बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर अमल कीजिएगा, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।